और आज की तारीख में हम सब लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, काम करते हैं, रात को वापस आते हैं और अपना लिविंग खुद करते हैं, अपने घर वालों को खुद संभालते हैं, ठीक है। तो हमें किसी की ज़रूरत लिटरली है नहीं, हम तो प्यार के लिए ढूंढते। सबको पता है किसने शुरुआत की, और रेस की बात होती तो हम तुम्हारे साथ ही नहीं होते, ठीक है। और जहाँ तक मॉकिंग योर फैमिली की बात है, भैया तेरी फैमिली मॉक करने लायक तो है ही, क्योंकि इतने नालायक है वो लोग कि मैं बता नहीं सकती। मैं आई विश कि तेरी फैमिली की, लेकिन ऑडियंस ना बेवकूफ़ नहीं है, जो लोग ये मैसेजेस पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। आपने रोज़ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी मुस्लिम क्रिश्चियन कार्ड खेलने का, पर वो हुआ नहीं है ना, सो सैड। तो अब क्या करोगे, रेस पे डाल दो। ओ चलो चलो रेस का डाल देता, थोड़ा कम्युनल हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और जो रेस की बात है ना भैया, अब डे वन से वही रेस के थे, आपका कोई रेस ना सडनली बदल नहीं गया, तो ये कम्युनल गेम मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि तुम ऑलरेडी इससे पहले पकड़े जा चुके हो। जब तुमने एक लड़की को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, तो अब तुमने क्या किया, वो वापस से मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने चीट किया है तो मेरे को डरना तो किसी के बाप से नहीं है, तो हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। डरता वो है जो झूठ चीज़ें करता है, जो छुपाता है चीज़ें और जो स्टोरी मेकअप करता है। ना मैंने ये रिलेशनशिप में झूठ बोला है, ना मैंने डिसऑनेस्ट रही हूँ, ना। और रेक का तो रिस्पॉन्ड इतना माशाल्लाह है, अगर मौका मिला तो डेफिनेटली मैं उसके स्क्रीनशॉट डालूंगी। और आई एम श्योर वक्त आते लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें नेचुरली ही पता चल जानी है, वो कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं होगी। अल्लाह ऐसे राज खोलेगा सबके। और लड़का अगर इतना ऑनेस्ट है ना, तो सामने आके ओले ओले करो, पीछे ओले ओले मत करो, पीछे बिंदियाँ यहाँ वहाँ मत लगाओ, सही जगह बिंदी लगाओ जहाँ लगाना है, ठीक है। मुझे ये मत समझो कि मुझे कोई चीज़ पता नहीं है, मैंने इन सारी लड़कियों को टेक्स्ट किया और सबने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया। कैसे पावर देता है कि इसी तरीके से ब्लैक, ये ट्रेंड चलता आ रहा है, ये ट्रेंड को रोको। लेंगे चुपके से आपका वीडियो बना लेंगे चुपके से, आप इन चीज़ों से बिल्कुल मत डरना, बिकॉज यही रीज़न है जब लड़कियाँ बाहर आके बोलती नहीं है। हम कहते हैं लड़कियाँ बाहर आके बोलती क्यों नहीं, इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि डरती है मेरा ये फोटो बाहर आ जाएगा वो, और ये इन लड़कों को एक चलो आपसे प्यार हो गया, हमने लोगों को इज्जत दे दी, बट कुछ लोगों को इज्जत राज नहीं आती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आप किसी से डरो मत, क्योंकि ये लोगों की औकात ही ये है कि ये बस जिसके साथ अफेयर रखते हैं, ये एक लड़के की बात नहीं है, बहुत लड़के ऐसे करते हैं, आपका कॉल रिकॉर्ड करेंगे, आपका फोटो ले। बंदर है, इसके पास रिकॉर्डर तो है नहीं फ़ोन पे, इसने रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर दिया है। अब जब मैं झगड़ा कर रही हूँ और ये सारी बातें मैंने आधा घंटा पहले बोल चुकी हूँ, वो वही चीज़ अब वो सोच रहा है मैं क्या करूँगा, क्योंकि डर गया, क्योंकि मैंने उसको आधा घंटा पहले ही बोल दिया था कि मैं तो सब पर यही मेरी लाइफ है और यही मैं हूँ। उन्हें लगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हूँ। कभी भी प्रिडिक्टेबल मत होना, और देखना कि इन लड़कों को कभी ना लगे कि ये आपको यूज़ कर सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं। और मुझे याद है जब टीचर बोलती थी ए बोलो, ए बी बोलो बी, और मुझे अब रिकॉर्डिंग देख के लगता है कि अभी तक मेरी आदत नहीं गई यार। मतलब मैं इतना रोती थी स्कूल जाने के टाइम पे, और रो रो के मैं एकदम गुस्से में कि मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल क्यों भेजा, मुझे नहीं पसंद है, मुझे मम्मी को छोड़ के नहीं जाना। मैं क्लास में बैठती थी और मैं रोती ही रहती थी थ्रू आउट। ओके लेट मी टेल यू समथिंग, जब मैं छोटी थी ना, तो जब मैं स्कूल जाती थी या किंडरगार्टन या नर्सरी जाती थी, हम सब कुछ भी पसंद नहीं आते थे, कि कुछ पसंद जिनको बहुत मज़ा आता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर।